अभी ये ट्रैफिक जाम ही जाम है, देखें यहाँ रश होता है इस टाइम पर। अलग रोड खुला हो गया, उसके बाद दुकानें बन गई, बक्से खड़े हैं, मोटरसाइकिल खड़े हैं, कोई अपनी फ्री ऑफ रोज के लिए खड़ा है, तो उस वजह से ट्रैफिक जाम रहती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आपको पता है हाउसबे रोड पर कई दफ़ा काम होता रहा है, लेकिन हर दफ़ा काम करने के बाद मसाइल फिर भी इधर रहते हैं। अब ये देखें कितना चौड़ा रोड बना दिया है, 3 पट्टियों का रोड बना दिया है, लेकिन आगे जाके ये फिर भी जाम रहता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर दुकानें कटाई की, रोड चौड़ा किया, वैसे वैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम और दुकानों का काम ज़्यादा होता गया है। अब वो आप सामने देखें 2-3 शहदोरे खड़ी हैं, लोगों का अपना काम हो रहा है, तो ये काम जो है मतलब होने की वजह से और शहदोरे और होटलों की वजह से ये रोड जाम का शिकार रहता है। यहाँ पिकनिक वाले आते हैं तफरी के लिए, तो वो भी मसाइल का शिकार रहते हैं। तो यहाँ आज छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, जब यहाँ हैवी ट्रैफिक आ जाएगी तो फिर ये रोड जाम रहना इसका पक्का है। तो इसके नेमल बदल के लिए मच्छर कलोनी, मोहम्मदी कलोनी से ये जहाँ लियारी एक्सप्रेसवे ख़त्म होता है वहाँ से लेकर ये हाउसबे रोड तक ये बाईपास निकाला जा रहा है, क्योंकि तमाम गोदाम वगैरह यहाँ पर आ चुके हैं और आने वाले वक्तों में स्कीम 42 का सेक्टर 17, 18 और 20 और 21 में पोजीशन मिलने की वजह से वहाँ भी काम बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये काफ़ी भीड़ जो है यहाँ ट्रैफिक का रवानी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसके लिए नेमल बदल जो निकाला गया है वो बाईपास, वो मैं आपको विज़िट कराता हूँ। तो ये ट्रैफिक आज पिकनिक, सर्दी आ गई है, जनवरी की जो है 8 तारीख है आज, इस वजह से इतनी लोग यहाँ पर आज तरफ आ नहीं रहे हैं। जब ये गर्मियों में ये रोड ट्रैफिक जाम ही रहती है, तो वो बाईपास बहुत ही सहारा देगा बड़ी ट्रैफिक के लिए, पिकनिक वालों के लिए। ये हाउसबे रोड है, यहाँ से राइट हैंड हाउसबे चले जाता है और लेफ्ट हैंड सन स्पीड की तरफ आप आ जाते हैं। तो ये इलाका जो है यहाँ से बीच का मैं टुकड़ा दिखाता हूँ जहाँ काम हो रहा है। आपको जो आपको मैं इत्तला देने के लिए आया था, यहाँ मुझे जो ख़बर मिली थी, तो मैंने जब यहाँ मालूम आके किया तो ये मुझे ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आया। जो ख़बर होगी वो गलत होगी। ये तो कोई प्लाटिंग हो रही है, ये एक पट्टी ये हो रही चल रही है, एक पट्टी वो आगे चल रही है, पट्टी वो आगे चल रही है, काफ़ी काम हो रहे हैं यहाँ पर, एक्सीवेटर लगे हुए हैं, लेकिन ये कोई प्लाटिंग का अपना कोई सिलसिला है इनका, यहाँ का गोदाम वालों का और गवर्नमेंट का। तो ये यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जो रोड के सिलसिले में, कोई ऐसे आपको ख़बर देगा तो ख़बर झूठी होगी। तो इसलिए काम फ़िलहाल बजट नहीं है मेरा, ज्यादा ख्याल है, बड़ी मुश्किल से तो हाउसबे रोड बना है। तो ये जो लियारी माड़ीपुर एक्सप्रेस वे है वो ख़बर झूठी है बिल्कुल। हाँ, ये भी सुनने में आया है कि ये बाबा सुख ज़राए से मालूम हुआ है कि 17, 18, 21 और 22 सेक्टर को पोजीशन मिलने जा रही है, लेकिन आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं, पैसा लोगों के पास है नहीं, मुल्क के हालात ऐसे ख़राब हो रहे हैं, कौन इन्वेस्ट करेगा। फ़िलहाल तो मैं कहूँगा कि जो काम होने जा रहे हैं कराची के अंदर, मैं उस दिन कराची को देख रहा था, तोड़कर उसको जो है मेट्रो और ये हर मुल्क के हालात ऐसे जा रहे हैं, अब हमें मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, अभी गधा गाड़ियों की तरफ हमें आना पड़ेगा, साइकिलों की तरफ आना पड़ेगा, अल्लाह ना करे। फ़िलहाल हमें अपने मुल्क का तेल और ये चीज़ें बचानी हैं, हमने अपने मुल्क के लिए बरामदात का काम ज़्यादा करना है, दरामद का काम हमने कम करना है, तब हमारा काम चलेगा। यानी हमने इम्पोर्ट कम करनी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें फ़िलहाल जो है पीछे की तरफ जाना पड़ेगा मुल्क को सुधारने के लिए। लेकिन हम अगर अपनी ये रवैया इख्तियार करे रखें और हम जो है ना साइशें ना छोड़ें, जहाँ पैदल से काम बाज़ार तक हम पैदल जाया करते थे, आज बच्चे मोटरसाइकिल पे बाज़ार छोड़ जाते हैं, थोड़ी सी दूर जो आधा किलोमीटर नहीं बनता है वो मोटरसाइकिल निकालते हैं। बहरहाल ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, एक्सप्रेसवे की खबरें झूठी होंगी जो भी आपको पता चलेगी। फिर माड़ीपुर एक्सप्रेसवे कोई नहीं है, मैं इस तरफ आया हूँ साइड पर, तो ये काम तो प्लाटिंग का हो रहा है। बहरहाल हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो कहता हूँ कोई काम ना अभी फ़िलहाल करें, जिस तरह चल रहा है चलने दिया जाए, ये स्कीमों पर इन रोड मतलब तरक्याती कामों पर फ़िलहाल कोई पैसा ना लगाएं, अपने मुल्क को संवारने पे लगाएं। हाँ, डैम पे लगाना था वो तो लगाते नहीं हैं, और ये रोड बना के क्या करेंगे, रोड बना के हम लोग कुछ भी, मुझे नहीं समझ आ रही है, रोड बना के कुछ होना चाहिए, फ़िलहाल अपने कर्जा उतारना चाहिए। मैं कोठी आलीशान बना लूँ और गुरबान लोग मेरा अगर बाहर पकड़ें कि भाई कर्जा दे दो कर्जा दे दो, तो मेरी ज़िंदगी पर फिर लानत। ठीक है जी, इसके साथ मैं जा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।